तो आज मैं जा रहा हूँ अमीनाबाद बुक मार्केट को एक्सप्लोर करने कि मुझे भी कुछ बुक भी ख़रीदना है, द रीज़न वाई आई केम टू लखनऊ। सो चलिए देखते हैं अमीनाबाद बुक मार्केट। अभी मैं घर से निकल गया हूँ अमीनाबाद के लिए। मैं अमीनाबाद बुक्स परचेस करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि अमीनाबाद में बहुत सस्ती बुक्स मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये मेरा पहला व्लॉग है तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ कि क्या बोलेंगे लोग, बट चलिए देखते हैं कि कैसा जाता है ये व्लॉग। तो मैं घर से निकल चुका हूँ फुल तैयार होके अमीनाबाद के लिए। तो मैं अमीनाबाद के लिए एकदम अकेला ही निकल गया हूँ क्योंकि मेरा इधर पे कोई दोस्त तो है नहीं जिसके साथ मैं जाऊँ। तो मैंने सोचा अकेले ही चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब मैं सोच रहा था कि यहाँ मुझे ऑटो मिल जाए ताकि मैं मेन रोड तक चला जाऊँ, लेकिन यहाँ मुझे ऑटो तो कोई भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पैदल ही चलता हूँ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। तो मैं मेन रोड तक तो पैदल ही चला गया। अमीनाबाद अमीनाबाद अकेले जाओ? हाँ नहीं, अकेले हैं अभी। तो पत्थर कट्टे तक तो घर जाते हैं। हाँ यार वो तो, चलो ठीक है बैठते हैं। थोड़ी दूर के लिए तो मिल गया है। अमीनाबाद बुक मार्केट पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ पे है बुक स्टोर्स कहाँ पे है। पुस्तक महल ऑल बुक्स आर अवेलेबल हियर। पेपर बुलाया जा रहा है। अरे यार आशीर्वाद बुक डिपो बंद। इधर जाके ये इस साइड में गली। स्टोर नेम क्या है? अरे कई दुकानें। अच्छा कई दुकानें हैं गली में। ठीक है शुक्रिया। नॉन फिक्शन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड नॉन फिक्शन बिकॉज इट्स मार्केट इज ऑन टुडे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट।
भाई बुक मार्केट में तो बुक सारे स्टोर बंद है, आज बुक तो मिली नहीं। चलो और ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स हैं आपके पास हैं भैया? तो बताओ भैया, बताएं। हाँ भैया, भैया नॉन फिक्शन कैटेगरी की हैं आपके पास? नॉन फिक्शन बुक, नॉवेल्स नहीं है भैया? ये कौन सी है? The Air of Darkness, शशि थरूर। हाँ लेकिन इनकी नहीं चाहिए। तो किसकी चाहिए? एक द पावर ऑफ हैबिट। वो एफ कैटेगरी नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। एक भी किताब आज नहीं मिली, क्या है देखो क्या। अमीनाबाद, एवरी स्टोर इज क्लोज टुडे। पता है कि इधर बुक्स मिल सकती हैं, एक बार चेक कर लो, बाकी दुकानें तो सभी बंद हैं। अमीनाबाद मार्केट में एक भी बुक नहीं मिली, बिकॉज एवरी स्टोर इज क्लोज टुडे, हॉलीडे फॉर देम। तो अब चलते हैं हजरतगंज बुक ढूंढने के लिए। चलो देखते हैं हजरतगंज में जाके बुक्स मिलती हैं या नहीं वहाँ भी। अभी मैं हज़रतगंज पहुंच चुका हूं और अब यहां पे मैं देखता हूं कौन सी बुक मुझे मिलती है और कौन सी नहीं मिलती है। तो फर्स्ट स्टोर में गया बुक्स एंड बुक्स में, यहां पे ढूंढने के लिए मैं क्या बुक मुझे मिलेगी मैंने अंकल से पूछा। अंकल नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स हैं आपके पास? नॉन फिक्शन। अच्छा उधर। अंकल नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स हैं आपके पास? बहुत सी लगी हुई है। वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी बुक नहीं मिली। अब जा रहे हैं यूनिवर्सल बुक स्टोर। अंकल टोल्ड मी दैट यू विल गेट ऑल दोज बुक्स इन यूनिवर्सल स्टोर, यूनिवर्सल बुक स्टोर। सो लेट्स गो एंड देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमें। चलते हैं यूनिवर्सल बुक स्टोर। Everyone is saying here that you will get only those books in Universal Store. So let's go Universal Store. And उधर वहाँ पे मिलती हैं कि नई बुक, चलिए देखते हैं। मैं भी आ गया हूँ यूनिवर्सल बुक स्टोर में और मैं भी यहाँ पे बुक्स देख रहा हूँ कि बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन खरीदूँ और कौन सी नहीं खरीदूँ। फिर मैंने बुक्स देखना स्टार्ट किया और मैं बुक्स देखता रहा काफ़ी देर तक। मैं बुक्स देखा, एक एक रैक पे जाके मैंने बुक्स देखा और मैं बुक्स देखता ही रहा क्योंकि मुझे बुक्स देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं परचेस करूं या ना करूं, बट बुक्स, मैंने इतनी बुक्स तो अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन सम बुक स्टोर। इसीलिए मैंने बुक्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मैं बुक्स ही देख रहा था, फिर मैं सेल्फ हेल्प कैटेगरी की तरफ गया, मुझे वहाँ बुक्स अच्छी दिखी तो मैंने सोचा लेट्स चेक कौन सी बुक मुझे ख़रीदना है। तो यहाँ पे मैंने दो बुक्स परचेज की हैं। Thank you.
अभी मैं बुक्स लेके बस घर की तरफ आ रहा था, मैं मेट्रो स्टेशन हजरतगंज की तरफ जा रहा था कि उधर से मैं घर निकल जाऊंगा, लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी बुक स्टॉल पे, जो कि स्ट्रीट पे लगा हुआ था, फुटपाथ पे। भाई यहाँ पे मुझे इतनी सारी बुक्स मिली जो कि मैं ढूंढ रहा था। मैं पिछले 4 घंटे से यही बुक स्टॉल ढूंढने के लिए परेशान था कि मुझे कोई बुक स्टॉल मिल जाए जहाँ पे मुझे ओल्ड बुक्स मिले, लेकिन ये अब जाके मिला मुझे। तो उस बुक स्टॉल से मैंने 4 बुक्स परचेज की और उसके बाद मैंने उधर से मेट्रो पकड़ी और मैं आ गया 4 बार। अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो टोटल 6 बुक्स मैंने परचेज की हैं। तो अभी मैं बुक्स लेके घर पहुंचने वाला हूं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए।